transition temperature pay two or more than two types of crystals coexist in equilibrium number two the solids in which atoms ions or molecules have random non-repetitive three-dimensional arrangement are termed as a crystals b glasses c alloys d amalgams non-repetitive bar to random non-repetitive it means it's glasses crystals may रैंडम नहीं होती डेफिनेट होती है रिपेटेटिव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जबकि अलॉयज मेटल्स की फॉर्म है जिसमें दो मेटल्स को आप मिक्स करते हैं आपस में उसके अलावा मलगम्स भी इसी तरह का मिक्सचर है नंबर थ्री द नेचर ऑफ बॉन्ड इन डायमंड इज ए आयनिक बी कोवलेंट सी मोलिकुलर डी मटैलिक इट्स बी कवलेंट कवलन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है डायमंड के अंदर क्रिस्टल लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन फोर डायमेंशन तो इट्स थ्री डी C is the right option number 5 lattice energy is also called as A crystal energy B ionization energy energy of affinity D bond energy so it's another name is crystal energy so option A is the right one then 6 when gaseous ions are allowed to form a crystal energy is A evolved B absorbed C sometimes absorbed and sometimes released has no effect C or D to तो ऑप्शन ए जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गैशियस आयन से जब सोडियम क्लोराइड बना था उसने तो एनएसएल बनाया था और हमने ये कहा था कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक है किलो किलोजॉल्स पर मोल मूविंग फॉरवर्ड सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स सच प्रॉपर्टी इज ए पॉलीमोर्फिज

डिफरेंट हो जाता है एक ही सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस में 9 आयरन एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ड्यू टू ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री प्रोटॉन्स फ्री न्यूट्रॉन्स फ्री आयंस सो इट्स ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से नंबर 10 एन इनसॉल्युबल सॉलिड वाज ड्रॉप्ड इनटू द मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर तो स्टूडेंट्स इसमें ये कंडीशन हमें बताई हुई है कि एक इनसॉल्यूबल सॉलिड है उसको 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में डाल दिया तो वॉल्यूम क्या होगा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा वॉल्यूम या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा ए देखते हैं ऑप्शन क्या है ए इज़ फिफ्टीन सेंटीमीटर क्यूब बी सेवेंटीन सेंटीमीटर क्यूब सी फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब और सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर क्यूब इज़ द डी ऑप्शन डी इज़ द राइट वन स्टूडेंट्स वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई इनसोल्यूबल सॉलिड आप किसी भी वॉल्यूम ऑफ वाटर में डालेंगे क्योंकि वो इंटरेक्ट तो करेगा नहीं वाटर के साथ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा